इतनी बार महिमा को से परिचित हों उतना ही हमें इंटरेस्ट बढ़ते रहना चाहिए, एक रस बना रहे। श्रद्धा परमात्मा की कथाओं से घटे नहीं, उबे नहीं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, जब वो स्वस्थ होता है तो रोटियां सूखी मिल जाए, भूख लागरी होता है, सब्जी की भी आवश्यकता महसूस नहीं करता। जब सही भूख लागरी हो और घर वाले कहें सब्जी बना देते हैं, रोटी तो हैं, तो इन्हें कहे रोटी ये दे दो, मनता है सब्जी की कोई जरूरत नहीं। और हमने देखा कई बार नमक डालकर भी हम रोटी खा गए सूखी, सब्जी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो कहने का भाव यह है कि जब स्वस्थ होता है यह शरीर तो हमें भूख प्रॉपरली लगती है, और जब अस्वस्थ हो जाता है, कोई जबर हो जाता है, तो भूख लगनी बंद हो जाती है। वही रोटियां तो दो दो तीन तीन बार खाया करते, एक ग्रास भी मुंह की तरफ नहीं किया जाता, कड़वी लगती है। मनुखा दाख सेब संतरे सब कड़वे लगते हैं। अब ना तो किसमिस मनुखा दाख कड़वी, ना रोटी कड़वी। कड़वा कैसे हो गया, वो जो मीठी चीज थी वो कड़वी महसूस क्यों हो रही है? क्योंकि बुखार ने जवर ने शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया, अनियमित कर दिया। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी गोलियां कुनीन की खानी पड़ेंगी, मलेरिया हो रहा हो गया, न चाहते हुए भी फांकी मारनी पड़ेंगी, कति कड़वी होती हैं। और उन कड़वी गोलियों के खाने से फिर वो जबर कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे वही रोटियां वही मनुखा दाख उतनी ही स्वादिष्ट हो जाती हैं। तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जावे। और जिन व्यक्तियों को ये परमात्मा की चर्चा जितनी बार भी सुनने को मिलती हैं उतनी बार ही अच्छी लगती हैं। जैसे इस रोटी सुबह भी खाते हैं भूख लगी, और शाम को भूख नहीं लग रही, रोटियों में रुचि बनी नहीं भोजन में, तो समझो आपका कोई गड़बड़ी होगी, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है कि उसके लिए फिर टेबलेट गोली डॉक्टर का संपर्क करें, और फिर स्वस्थ होते ही फिर अच्छी लगेंगी। दोनों टाइम ही भूख लगती है और लगनी चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा की जो महिमा है ये आत्मा की भूख है, आत्मा का आहार है। और जो ये फिल्मी गाने संसार संपत्ति को संसार के अंदर ये चोचले करने, लोग दिखावा चौधरी पाकना, कोई उच्च अधिकारी होकर के अभिमान करना, उच्च पोस्ट प्राप्त करके उच्च कोई पद प्राप्त करके बकवाद में हिस्सा लेना, ये मन की खुराक है। बीड़ी शराब मास्त माखू नाचना गाना डीजे बजाना, ये मन का आहार है। और परमात्मा की भक्ति विनम्रता, दान पुण्य करना, परमेश्वर की भक्ति करना, सिमरन करना, ये आत्मा का आहार है। हमने पहले क्या कर रखा था, मन को सांड पाल दिया था, सारा ही आहार हम मन का ही खा रहे थे, इसको खिला रहे थे। और अब हमें ज्ञान हुआ तो हमने इसके आहार पर कति बैन लगा दिया और आत्मा का आहार बढ़ा दिया, तो आत्मा इससे तगड़ी होती चली जाएगी और यो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और ये इसकी बकवाद बंद हो जाएगी। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो कि किसान परिवार में जन्मे थे, किसान थे, जाट थे, और उनके कुछ शिष्य भी किसान थे, उनको यही ज्ञान समझाते थे कि भाई जो तुम चोचले करते हो ये मन का आहार है, इसको कम कर दो। तो कोई भक्त कहता था जी कोशिश बहुत करते हैं
ये मन कोई ना कोई गड़बड़ करवा ही देता है। परमात्मा बोले भाई जैसे बिलाजी कैसे इसने रोके। तो उदाहरण दिया था कि तेरे पास दो बैल हैं, हाँ जी दो बैल हैं, और दोनों बैलों में से एक तगड़ा भी है, हाँ जी एक तगड़ा है, वो दूसरे बैल को जो वीक है कमज़ोर है उसको आहार नहीं करने देता है, क्योंकि खेतों में एक टोकरे में दोनों बैलों को आहार चराते हैं, चारा चराया करते हैं। तो परमात्मा ने गरीबदास जी ने कहा तो आप क्या करते हो, वो क्या कहता है जी जो तगड़ा है उसको थोड़ा टाइट बांध देता हूँ रस्से के, और दूसरा जो कमज़ोर है उसने लूज छोड़ देता हूँ, तो वो जो मारने वाला है वो उसको हानि नहीं पहुँचा पाता और वो वीक भी आराम से उसका आहार खा लेता है, अपना काम चला लेता है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ऐसा ही करो, इस मन रूपी सांड ने थोड़ा सा टाइट बांध दो और इस आत्मा को भक्ति में लगा दो, इसको लूज छोड़ दे। ऐसा ही करने से क्या होगा कि कुछ दिनों में जो तेरा दूसरा कमज़ोर बैल है वो तगड़ा हो जाएगा और उसका स्वभाव मारने का नहीं है दूसरे को। तो ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं अब हमने इस मन को टाइट कर लिया थोड़ा और आत्मा का आहार बढ़ा दिया है। अब ये आत्मा इतनी प्रबल हो जाएगी इसके मन के पंजे टक्कर नहीं दे भैया, इस मन को ये बकवाद नहीं करन दे, और पहले मन इसको डरा धमका के साथ ला ले था, अब हम परमात्मा के ज्ञान से परमात्मा की ओट में परमात्मा के सहारे से हम मन के सभी जो चोचले हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। हम देखा करते थे गांव में दास का जन्म था, हमने देखा कि हमारी बहन बेटियां माता चाची ताई कोई भी ऐसा विशेष आडंबर नहीं करा करती जो आजकल चल पड़ा, होठों को लाल कर लेना, नाखूनों पर पालिश लगाना, हाथों में मेहंदी लगाना और 36 पंगे करना, ये पहले बिल्कुल नहीं होता था। अब इस धीरे धीरे अब गाँव में भी ये आग पहुँच गई जो फिल्मों के अंदर देखते हैं। तो ये इस प्रकार की जो बकवादे हैं ये भक्तों के लक्षण नहीं होते। अपने साफ सुथरे कपड़े पहने, मन को स्वच्छ रखे, भगवान की भक्ति में इसको लगाए रखे। तो प्रश्न जो चल रहा है कि वो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही यहाँ धरातल पर आते हैं, और वो परमात्मा जो हमें सत्य कथा सत्यनारायण कथा बताकर जाते हैं उसको जब सुनने हम लगते हैं तो हमें बहुत आनंद आना चाहिए। जैसे रामायण महाभारत को हम कितने सुना करते थे, लाखों वर्ष से ये रामायण, और लगभग मेरे ख्याल में उस सन 1990 में 89 में इसका नया प्रारूप बना करके एक मॉडर्न टाइप से बनावटी ये रामलीला बना के और टेलीविजनों पर चली थी, देखे दुनिया कट हो गई थी, नो देखे एक घंटा सबके में जाम हो जाया करता, नो सकाम छोड़ छोड़ के खेतों से भाग करा कर टीवी पर बैठ जाते थे। तो ऐसे हमने परमात्मा की चाह है, ये आत्मा के को तड़फ है, ये रुक नहीं सकती अपने भगवान के बिना। इसने जहाँ भी कोई चर्चा पता लगता है कि वहाँ भगवान मिलेगा, ये वहीं चल पड़ती है और मन इसका साथ देता है, क्योंकि वो गलत साधनाएं होती हैं। मन अर्थात ये काल है, ब्रह्म है, इसको पता है कि ये जिधर जा रही है इधर धक्के खाने दे, इसको मिलना कुछ नहीं, और उसका पूरा सहयोग देता है ये मन। चल चलते हैं बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा, और मनमाने 5,000 फुट ऊंचाई पर जा खड़ा करे, उड़ केदारनाथ पर अमरनाथ में लेना एक न देने दो,
और जब ये यहाँ आने लगता है सतलोक आश्रम और इस यथार्थ ज्ञान से जब इसको परिचित कराया जाता है तो अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर गाड़ देने कति सुनना नहीं चाहता, 36 ऑब्जेक्शन कर देता है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में इतनी प्रबल शक्ति है जो पुण्यात्मा इस ज्ञान को 2-4-10 बार सुन लेगी किसी भक्त या किसी पुस्तक को पढ़ ले, दास के द्वारा रची हुई जो पुस्तक है, फिर ये आत्मा प्रबल हो जाती है, ये आहार है इसका, फिर ये मन इसको रोक नहीं पाता। ये सत्यनारायण कथा है जो पुण्यात्मा 2-3 बार इसको पढ़ लेती है तो उसके अंदर एक विशेष पावर आती है भगवान कबीर परमेश्वर की, और साथ में ज्ञान रोशनी हो जाती है, फिर ये दोनों मिलकर के इस मन को नहीं, मन की नहीं मानते, यहाँ आ ही जाते हैं। तो पुण्यात्मा इस परमेश्वर की यथार्थ यानी सत्यनारायण कथा को लाखों बार सुनोगे तो भी इंटरेस्ट आना चाहिए, सुबह सुनी है शाम को भी वही चर्चा है तो आनंदित होना चाहिए। जैसे एक नाम दास आपको देता है, आपको मंत्र जपने के लिए एक मंत्र दिया जाता है नाम सिमरण करने का, और वो चाहे लाख बार जाप कर ले उतना ही अच्छा लगता है। ये 2 मंत्र हैं, ये श्वास उश्वास के ये, और इनको जितना भी जाप करोगे उतना ही आनंद आता है। तो ये आत्मा के स्वस्थ होने की पहचान है। तो आप जी को थोड़ा ज्ञान दिखाते हैं, परमात्मा के प्रमाण आपको साथ साथ दिखाएंगे। परमेश्वर जब आते हैं ऐसी लीला करते हैं, कुंवारी गायों से उनकी परवरिश होती है। पुण्यात्मा जब वेद भी यही बता रहे हैं कि जब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म शिशु रूप धार करके पृथ्वी पर अपना यथार्थ ज्ञान अपने पुण्यात्माओं को देने के लिए आता है तो वो एक शिशु रूप धारण करता है, उस बालक की रूपधारी परमात्मा की, बालक रूप बालक वेशधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और वो लीला परमात्मा जब आए थे 600 साल पहले वो करके गए थे, क्योंकि वो विशेष नहीं उन, और कोई ये कहे कि वेद पढ़ कैसा, किसी ने कथा बना ली होगी, वेद तो हमने ईब देखे हैं अभी 2003-04 तक, और ये 1398 की बात। तो परमात्मा की जो लीला इन वेदों में लिपिबद्ध है और वो परमेश्वर कबीर जी ने ही की हुई है तो वो ही परम अक्षर ब्रह्म है, ये सिद्ध करना है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, फोन नंबर इतने इतने, फैक्स इतने इतने। महर्षि दानंद सरस्वती कर दिए, वैसे महर्षि दानंद का अनुवादित नहीं है, फिर भी हम इस विषय को अभी नहीं छेड़ते। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, ये इनके फोन नंबर हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और ये 9वां मंत्र है। इसमें क्या लिखा है, ये मूल संस्कृत है, शिशुम धेनु श्रृणंति उत अभी इमम अधन्या, इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले, इन्होंने लिखा श्रद्धालु पुरुष को शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्य अधन्य अहिंसनीय, धेनुए माने गौवे तृप्त करती है। इन्होंने अनुवाद नहीं करना है क्योंकि इनको तत्व ज्ञान था नहीं, परमात्मा की कहानी का पता नहीं था, सृष्टि रचना का गोलमोल करने करती